रेवाड़ी बस अड्डे पर आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब यात्रियों को ये पता लगा कि यहाँ बम है। बम की सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन की गाड़ियां बस अड्डे पर पहुंचनी शुरू हो गई और देखते ही देखते बम निरोधक दस्ता और अनेक प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। करीब एक घंटे बाद जब यात्रियों को ये पता लगा कि ये तो मॉक ड्रिल था, तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों का कहना था कि स्वतंत्रता दिवस के समारोह को लेकर हाई अलर्ट के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से ये मॉक ड्रिल किया गया है। आज हमने बम डिस्पोजल के बारे में एक मॉक ड्रिल की थी। आजकल रोजाना कहीं ना कहीं इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई वहाँ बम फट गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ हो गया, तो इसकी तैयारी के लिए हमने अपनी तमाम तैयारियों के साथ ये मॉक ड्रिल की है। और आप लोगों ने देखा है कि हमारी मॉक ड्रिल के जो भी जवान थे, जो भी इसमें शामिल थे, सभी ने बहुत अच्छा क्विक रिस्पॉन्स जो दिया है, टाइम पर टीम पहुँची है। और आपने देखा कि जिस तरह से जहां बम की सूचना थी उस जगह को हमने सुरक्षित कर दिया, चारों तरफ से आम आदमी को वहां से दूर कर दिया, और जो कम से कम नुकसान हो उसके लिए जो प्रिकॉशन एक्शन जो लेने पड़ते हैं वो सभी हमारी जो टीम ने ली है। रेवाड़ी से अजार टीवी न्यूज के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट।